समय ने रफ्तार पकड़ ली थी। टिया और आरव को अलग हुए पूरे 2 महीने हो चुके थे। इस बीच टिया ने आरव को हर दिन याद किया और यही चाहा था कि किसी भी तरह से आरव उसकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाए। वो आरव को कॉल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि लास्ट टाइम आरव ने जवाब ना देकर सारे रास्ते बंद कर लिए थे। टिया बहुत अकेली हो गई थी। फिर एक दिन उसके पापा ने उसकी शादी की बात की। टिया पहले तो शादी की बात सुनकर बहुत परेशान हुई क्योंकि वो हमेशा से अपनी लाइफ को आरव के साथ ही जीना चाहती थी। किसी और के बारे में उसने सोचा भी नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पास ऐसी कोई भी वजह नहीं थी अब जिसके लिए वो शादी के लिए मना कर पाती। आरव भी जा चुका था। टिया की शादी फिक्स हो गई और जिससे उसकी शादी होने वाली थी उसका नाम था रोहन। रोहन एक बहुत अच्छी फैमिली से था और काफ़ी समझदार भी था। रोहन ने जब पहली बार टिया को देखा तभी वो उसे पसंद करने लगा था और उन दोनों ने फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे। टिया अभी तक आरव की यादों से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाई थी और ये सब वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन रोहन का फ़ोन आया तब पहली बार टिया और रोहन के बीच बातें हुईं। उस दिन टिया खुश थी। टिया और रोहन फिर रोज़ बातें करने लग गए। टिया धीरे धीरे अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने लगी थी। टिया को किताबों का शौक था और लिखने का भी। रोहन भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो टिया की हर बात को समझने लगा, उसकी खामोशी को पढ़ने लगा। टिया को सुकून इस बात का था कि उसने आरव के साथ भी रिश्ते को निभाने की हर कोशिश की थी, लेकिन इस बात का दुख भी था कि आरव ने टिया को एक आखिरी मौका भी नहीं दिया और सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन अब वो पूरी तरह से आरव को भूलकर रोहन के साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती थी। अब टिया को ये महसूस हुआ था कि सच में प्यार क्या होता है। प्यार को हर बार महसूस कराया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। प्यार तो खुद एक एहसास होता है। अब रोहन और टिया को बात करते हुए पूरे 1 महीने हो चुके थे और इन 30 दिनों में रोहन टिया को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने लगा था। टिया समझ चुकी थी कि उसने अपनी लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा उस एक तरफे रिश्ते में बर्बाद कर दिया था। आरव ने भी कभी टिया के प्यार को समझा नहीं था और दूसरी तरफ रोहन था जिसने इतने कम समय में टिया को ज़िंदगी भर खुशियां देने का फैसला ले लिया था। रोहन बिल्कुल परफेक्ट था, जैसा टिया हमेशा से चाहती थी वैसा ही। हमेशा ऐसा ही होता है ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबरदस्ती रिश्ते में बंधे रहते हैं। भले ही वहाँ प्यार और अपनापन मिले या फिर ना मिले, उस रिश्ते को बस हम खींचते ही रहते हैं। फिर एक दिन वो रिश्ता धागे की तरह टूट जाता है, क्योंकि कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं होता ना यार। अब बताओ, ताले एक हाथ से बचती है क्या? इसलिए कभी अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है ना और आपके प्यार को नहीं समझ रहा है तो छोड़ दो यार उसको, क्योंकि बार बार कोशिश करने से सिर्फ आप ही को ही हर्ट होने वाला है। उसे खुद समझने दो और उसे कोशिश करने दो, और अगर नहीं समझता ना तो कोई बात नहीं यार, वक्त पर सब छोड़ दो क्योंकि वो सब कुछ ठीक कर देता है। हाँ माना, पहले प्यार को भुलाना शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। बस खुद को एक और मौका देकर देखिए। जब पहले से भी बेहतर कोई लाइफ में आता है ना, तब सब कुछ परफेक्ट हो जाता है।